बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने महागठबंधन की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंह ने बताया कि अमित शाह ने कहा है कि पुराने सहयोगियों के लिए दरवाजा बंद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बयान से पता चलता है कि अमित शाह अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शाह ये मानते हैं कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, इसलिए वह नए सहयोगियों की तलाश में घूम रहे हैं। कौन उनके साथ जाएगा या नहीं जाएगा, यह भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन यह मान लिया जाए कि अमित शाह अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, वो मानते हैं कि देश की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, इसीलिए वो नए सहयोगियों की तलाश में घूम रहे हैं। अब उनके झांसे में कौन कौन फंसेगा, यह भविष्य के गर्त में फंसा हुआ मामला है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी जोर से चर्चा हो रहा है, और हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, तो नीतीश कुमार ने भी तारीफ किया है प्रधानमंत्री का। नीतीश कुमार जी हो या कोई भी हो, उन दागियों को, उन लोगों को माफ़ी मांगने का सवाल खड़ा करना चाहिए जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से पदच्युत किया था 1977 में। कर्पूरी ठाकुर को किन परिस्थितियों में लोगों ने सत्ता से बेदखल किया था, यह सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जनसंघ के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बिहार में गिरा दी गई थी। आज उनको सम्मान देने का क्या मतलब हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन में मतभेद की खबरों को सुधाकर सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि शुरू से यह फॉर्मूला तय है कि जो पार्टी जिस राज्य में ताकतवर है उस राज्य में वही पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुधाकर सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन से ना तो ममता बनर्जी बाहर आई हैं और ना ही आम आदमी पार्टी। गठबंधन मजबूती से बना रहेगा, जिन दलों का आप नाम ले रहे हैं कोई भी वो इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं गया। शुरू से ये फार्मूला तय है कि जिन राज्यों में जो दल मजबूत होंगे उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यह आम आदमी पार्टी को तय करना है पंजाब में कि कौन सीटों पर लड़ेगा, या ममता बनर्जी को बंगाल में तय करना है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ममता बनर्जी ने तो कल ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि वो कभी ये तो नहा उन्होंने नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन के बाहर हैं, वो तो इंडिया गठबंधन में है। सीटों के सवाल को लेकर के पार्टियों में हम लोग का एकदम स्पष्ट मत है कि जो जहां ताकतवर है वो लड़ेगा। आप भी बक्सर लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर जो भी काम पार्टी सपोर्ट करेगी उस काम को करेंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि असली तस्वीर तो साफ होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।